विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 7 व्यापार के दूसरे भाग के अंतर्गत भारत के विदेश व्यापार के बारे में, इसके बाद मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में और प्रादेशिक व्यापारिक विविध व्यापारिक संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत के विदेश व्यापार के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत परिभाषा में देखें तो वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। व्यापार के दो प्रकार हैं, जिसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब चीज़ वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान अलग अलग देशों के बीच हो, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भारत के विदेश के व्यापार के बारे में कि भारत में जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो विविधताओं से भरे पड़े हैं और संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक युवा धन वाला देश कोई है तो भारत है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत विश्व के अधिकतर देशों के साथ व्यापारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है और भारत के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। ये अवश्य है कि समय के साथ साथ भारत के विदेशी व्यापार में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। तो विश्व के किन किन देशों के साथ में भारत का व्यापारिक संबंध है, विदेश व्यापार होता है, तो सबसे पहले हम यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप, तो यूरोप महाद्वीप के जो मुख्य देश हैं, इसमें जर्मनी, यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन आदि देशों के साथ में भारत का आयात निर्यात होता है। तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप के इन देशों के साथ में कौन सी चीज़ें आयात की जाती हैं, तो आयात में है यंत्र सामग्री, रसायन, परिवहन के साधन, शस्त्र सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आणविक शस्त्र, सोना, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, हीरा और मोती। ये चीज़ें इन यूरोपीय देशों से भारत में मंगाई जाती हैं, आयात की जाती हैं। इसके अलावा भारत से किन चीज़ों का निर्यात होता है इन देशों को, तो सूती एवं सूती कपड़े, रबर कांच और उसके उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, धात्विक उत्पादन, तैयार कपड़े, दवाइयाँ, तेज़पत्ता और हाथ कारीगरी की बनी हुई वस्तुएं इन यूरोपीय देशों में निर्यात की जाती हैं। जाति मित्रों, ये तो हुआ यूरोपीय देशों के साथ में। अब इसके बाद अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ में किस प्रकार का भारत का व्यापारिक संबंध है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के USA, कनाडा देशों के साथ में भारत का आयात निर्यात होता है। तो सबसे पहले हम आयात के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर अमेरिका के देशों से किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मंगाई जाती हैं, तो मुलायम लकड़ी, रसायन, यंत्र सामग्री और दवाइयाँ ये वहाँ से आयात की जाती हैं। इसके अलावा निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवाएँ, तैयार कपड़े, इंजीनियरिंग सामान और खेत उत्पादन, ये चीज़ें भारत से उत्तर अमेरिका के देशों को निर्यात की जाती हैं। इसके बाद दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, ब्राज़ील, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, पनामा, वेनेजुएला आदि देशों के साथ में जो भारत का विदेश व्यापार होता है, उसमें कौन सी चीज़ें आयात की जाती हैं दक्षिण अमेरिका से, तो खनिज, कागज़, खनिज तेल, चाय आदि चीज़ें दक्षिण अमेरिका के देशों से आयात की जाती हैं। इसके अलावा भारत से हस्तकला, कारीगरी की चीज वस्तुएँ, नमक और रसायन ये दक्षिण अमेरिका के देशों को निर्यात की जाती हैं। अब इसके बाद नंबर आता है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया के जो मुख्य देश हैं, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, इनके साथ में जो भारत का व्यापारिक संबंध है, उसमें जो भी विदेश व्यापार होता है तो आयात में मुख्य आयात जो है खनिज तेल है, इसके बाद प्राकृतिक गैस और कीमती रत्न, ये पश्चिमी एशियाई देशों से भारत आयात करता है। तथा साथ ही भारत में से कृषि उपज, वन्य उपजें, मांस, निर्माण कार्य के लिए सामग्री एवं उससे संबंधित सेवाएं, IT सेवाएं आदि पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात की जाती हैं। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का विदेश व्यापार कैसा है, तो आयात में ऑस्ट्रेलिया से भारत सोना, तांबा,
चांदी, प्लेटिनम, यंत्र सामग्री आदि चीज़ें आयात करता है तथा भारत से कृषि उपजें, वन्य उपजें और गृह उद्योगों द्वारा तैयार होने वाली चीज़ें जो हैं वो ऑस्ट्रेलियाई देशों को निर्यात की जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसको हम फ्री ट्रेड जोन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन अर्थात क्या। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां औद्योगिक इकाइयों पर लगाए गए जो प्रतिबंध हैं, नियंत्रण हैं, उनको दूर करके और आयात होने वाले माल सामान पर जो कर लगाया गया हो उसे रद्द कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तथा निर्यात के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा हो, ऐसी आवश्यक अनुकूलताएँ सरकार द्वारा दी जा रही हों, ऐसे क्षेत्र को हम मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं, जिसे अब विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार में विकासशील देशों को समान अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए विकासशील देश विकसित देशों से प्रतियोगिता कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा तमाम प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गुणात्मक वृद्धि हो। अब हम विशेष आर्थिक प्रदेश के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि मुक्त व्यापार प्रदेश, जिसे हम अब विशेष आर्थिक प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये इन प्रदेशों द्वारा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हो सके इसके लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वो कदम कौन से हैं? पहला कदम तो ये है कि विशिष्ट आर्थिक प्रदेशों के लिए जमीन प्रदान करना, भूमि की व्यवस्था करना और इस प्रदेश के लिए कर का ढांचा सरल एवं हल्का करना, लाइसेंस प्रथा या अनुमति प्रथा को समाप्त कर देना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कद एवं गुणवत्ता बढ़े इसके लिए ज़रूरी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, उद्योगों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजदूरों के हित से संबंधी कानून में छूट छाट देना और गुजरात में कंडला स्पेशल इकोनॉमिकल जोन स्थापित किया गया है। इस प्रकार के प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो मुक्त व्यापार वहाँ पर मुक्त व्यापार के लिए कई प्रकार की छूट छाट सरकार के द्वारा दी जाती है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि विविध जो व्यापारिक संगठन हैं उनके बारे में चर्चा करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार कुछ व्यापारिक संगठनों के ऊपर निर्भर करता है। व्यापारिक संगठन ऐसे देशों के समूह होते हैं जिनके बीच व्यापारी संबंधों की सामान्य प्रणाली काम करती है और विश्व का अधिकांश व्यापार इन संगठनों के समझौतों के अनुसार या उनकी देख रेख में चलता है। तो ये जो संगठनों की सदस्यता है वो तीन बातें असर करती हैं, एक दूरी, परंपरागत संबंध और भू राजनीतिक सहयोग। अब हम विश्व के विविध व्यापारिक संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विविध व्यापारिक संगठन जो हैं, राष्ट्रीय संरचनात्मक प्रतिबंध संबंधित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास को रोकते हैं, जिसके कारण अनेक देशों ने आयात कर में कमी करके नियंत्रण भी कम किए हैं। कुछ देशों द्वारा अन्य देशों के साथ सरल व्यापारिक प्रणाली अपनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले इसके लिए प्रादेशिक व्यापार संघों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नीति निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना, आयात कर को घटाना या समाप्त कर देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोधों परबलों पर नियंत्रण लगाना एवं जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों के उत्पादन के लिए विकसित देशों के बाजार उपलब्ध कराना आदि प्रवृत्तियाँ प्रादेशिक व्यापार संघों द्वारा की जा रही हैं। इसमें जो मुख्य व्यापारिक संघ हैं उन सब के बारे में एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आसियान, जिसको ASEAN आसियान, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी और इस संगठन के जो सदस्य राष्ट्र हैं, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान संगठन का मुख्य केंद्र
मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है और आसियान संगठन का जो उद्देश्य है वो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, सांस्कृतिक विकास, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व और व्यापार में जो कृषि उत्पादन है, रबर है, ताड़ का तेल, चावल, नारियल, कॉफ़ी, खनिज कोयला, तांबा, निकल और टंगस्टन, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इन चीज़ों का व्यापार इन सदस्य राष्ट्रों के बीच में होता है। दूसरा संगठन है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1991 में हुई थी और CIS के जो सदस्य राष्ट्र हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालडोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ये CIS के सदस्य राष्ट्र हैं। CIS का मुख्यालय जो है वो बेलारूस के मिन्स्क में आया हुआ है। इस संगठन का उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा और विदेश नीति के विषय पर सदस्य राष्ट्रों को सहयोग करना और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेशा, एल्युमिनियम आदि चीज़ों का व्यापार किया जाता है। तीसरा संगठन है यूरोपीय संगठन। 1999 के प्रारंभ में यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए एक अलग चलन यूरो डॉलर शुरू किया गया है। सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक व्यवस्था में जोर दिया गया है जिससे उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हो। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यूरोपीय संघ, जिसको हम शॉर्ट में EU के नाम से जानते हैं, इसके सदस्य राष्ट्र हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, ग्रीस, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, साइप्रस। समय समय पर इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है। यूरोपीय संगठन का मुख्यालय ब्रसेल्स में बेल्जियम में आया हुआ है। इस संगठन का उद्देश्य है एक ही मुद्रा द्वारा व्यापार और एक ही बाजार, कृषि उत्पाद, खनिज रसायन, कागज, परिवहन के साधन, ऑप्टिकल फाइबर, घड़ी और कलाकृतियों का व्यापार इन सदस्य राष्ट्रों के बीच में संभव होता है। अगला संगठन है ओपेक। ओपेक, जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन, हिंदी में इसका नाम है पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन, अर्थात ओपेक। ओपेक की स्थापना ईस्वी सन 1960 में हुई थी। इसके सदस्य राष्ट्र हैं अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला और गेबोन। ये ओपेक के सदस्य राष्ट्र हैं। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में आया हुआ है और ओपेक संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण, उत्पादन और विक्रय की नीति बनाना। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का व्यापार इनके द्वारा किया जाता है। अगला संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम SAARC के नाम से जानते हैं, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राष्ट्रों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये SAARC की स्थापना ईस्वी सन 5 दिसंबर 1985 में हुई थी और इसके सदस्य राष्ट्र जो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव, ये SAARC के सदस्य राष्ट्र हैं। SAARC का मुख्यालय काठमांडू में आया हुआ है। SAARC संगठन का उद्देश्य है सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना तथा इस संगठन के द्वारा कृषि उत्पाद, खनिज, पावर क्षेत्र, सूचना और प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्री क्षेत्र आदि का व्यापार होता है। अगला संगठन है SAFTA, SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। SAFTA की स्थापना फरवरी 2006 में हुई थी और SAFTA के सदस्य राष्ट्र जो हैं वो बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका हैं। SAFTA संगठन का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच का व्यापार कर जो है उसको घटाना और
कृषि उत्पाद, खनिज, पावर सेक्टर, सूचना और प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्री क्षेत्र आदि का व्यापार साफ्टा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या भूमिका है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संगठन के विकल्प स्वरूप बाजार और सीमा शुल्क के विषय में 1947 में एक समझौता किया गया था, जिसको हम गेट समझौता के नाम से जानते हैं, जिसका GATT, जिसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ। प्रारंभ में यह समझौता मात्र 23 देशों के बीच में था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के कई नियम और सिद्धांत उसमें शामिल किए गए थे। गेट के ध्येय उद्देश्य उसके आमुख में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। गेट समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो गेट समझौते का मुख्य उद्देश्य है कि अलग अलग देशों के बीच व्यापार संबंधों में मौजूद या व्याप्त भेदभाव को दूर करना, आयात सीमा शुल्क घटाना या खत्म करना, और व्यापार में आने वाले जो भी अवरोधक परिबल हैं उनको दूर करना, और विकासशील देश में जिन औद्योगिक चीज वस्तुओं का उत्पादन होता है उसके लिए विकसित देशों के बाजार सुलभ कराना। अब हम WTO के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, WTO जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो गेट समझौते के अधीन उरुग्वे चक्र राउंड के नाम से पहचाने जाने वाले समझौते का आरंभ 1986 में हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप 1995 में उसको आखिरी स्वरूप प्रदान किया गया। इस समझौते को लागू करने के लिए विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में कार्यरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि व्यापार संगठन स्वयं सदस्य देशों की व्यापार नीति विषय कोई निर्णय नहीं करता है या कोई नियम नहीं बनाता है। सदस्य देशों ने समझौते के द्वारा जिस मुद्दे के ऊपर अपनी राय प्रकट की हो या सहमति दर्शाई हो, उसके अमल पर देखरेख करना तथा उसमें उत्पन्न होने वाले जो भी विवाद हों, मनमुटाव हों, उसकी जांच करने का कार्य विश्व व्यापार संगठन करता है। शुरुआत में गेट के सभी सदस्य विकसित राष्ट्रों के थे, मतलब जो विकसित राष्ट्र थे वही सदस्य थे, लेकिन बाद में अन्य देशों के सदस्यों का भी इसमें समावेश हुआ और 30 नवंबर 2015 तक 162 देश इस संगठन से, विश्व व्यापार संगठन से जुड़ गए थे। जाति मित्रों, इसके बाद की चर्चा हम अगले भाग के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।